जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम जिशान हैदर फ्रॉम एकाम रेल। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर या आप वर्डप्रेस वूकॉमर्स के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको एक इशू आ रहा होगा कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आपको सेल्स नहीं आ रही। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जिसका यूज़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर ले सकते हैं। आपको किसी भी तरह से कोई भी गूगल ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक या टिकटॉक ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो ट्रिक है बिल्कुल 100% फ्री है और हम आपको रियल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हमने किस तरह से 1000 के हिसाब से सेल जो है वो जनरेट की है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने ऑर्डर किस तरह से लेने हैं। हमने एक छोटा सा प्लगइन यूज़ करना है जिसका यूज़ करके हम विदाउट एनी गूगल एड्स या फेसबुक एड को रन किए बगैर हम जो है वो ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमने तकरीबन 700+ जो है वो ऑर्डर को फुलफ़िल कर लिया है और अभी कुछ देर पहले हमें जो है वो एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर माउस का हावर हम यहाँ पे लेके आए तो इधर आपको ऑप्शन कंप्लीट मिलेगा कि ये वाली अमाउंट जो है आपको पेपाल के थ्रू आई है या आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू आई है या डेबिट कार्ड के थ्रू आई है, ये डायरेक्ट पेपाल चेकआउट से आई है। अगर नीचे आए तो ये क्रेडिट कार्ड जो कि हमने स्ट्राइप का अकाउंट जो है वो लगाया है जो कि हम यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी रखा है तो आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल एक हमने प्लगइन यूज़ करना है जो कि ईमेल और एसएमएस करेगा उन कस्टमर को जिन्होंने ऑलरेडी आपसे आइटम जो है वो एक बार परचेज कर ली हो। तो हमने स्टार्ट में इसी वेबसाइट के ऊपर थोड़े बहुत गूगल एड रेट जो है वो लगाए थे और उसके बाद हमने कंपेन चलाई थी थोड़ी बहुत, तो उससे हमें जो है वो काफ़ी ऑर्डर रिसीव हुए। इसका मतलब हमारे पास इस टाइम तकरीबन 700+ जो हैं वो ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं। अब हमने इन्हीं कस्टमर को जस्ट एक क्लिक्स के अंदर एक ईमेल फॉरवर्ड करनी है और हमने कोई भी उनको प्रोमो कोड सेंड करना है जस्ट एक क्लिक्स के अंदर कि हमने ये वाली नई प्रोडक्ट लॉन्च की है या हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं या फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। तो 700 बंदों को जब ईमेल जाएगी तो 100% चांसेस हैं, तकरीबन 10+ आपको ऑर्डर जो है वो आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे, ईमेल मार्केटिंग फॉर वू कॉमर्स बाई ओमनीसेंट। तो ये क्या करेगा, ये आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे या आप मैनुअल भी अपनी जो ईमेल है कस्टमर की ईमेल जो है वो बल्क में एक क्लिक्स के अंदर इंपोर्ट करके ऐड कर सकते हैं। ये इनको एसएमएस भी करेगा और ईमेल भी करेगा तो आपको बहुत जल्द चांसेस होंगे, विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने ओमनी सेंड के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसी वेबसाइट का जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में आपको एक प्रोमो कोड भी मिल जाएगा जिसका यूज़ करके आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसका फ्री ट्रायल वर्जन जो है वो यूज़ करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला देन आप जो है इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग के ऊपर मूव कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ, इसका हम देख लें कि ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो कंपैटिबल है, तो हम वो देख लेते हैं। ये वाले जो है शॉपिफाई के ऊपर भी कंपैटिबल है, शॉपिफाई प्लस के ऊपर भी, वूकॉमर्स के ऊपर भी, और उसके बाद विक्स के ऊपर भी, बिग कॉमर्स के ऊपर भी, और उसके बाद शॉपलाजा। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन का और स्टार्ट फ्री का। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट में हमेशा फ्री ट्रायल वर्जन ही यूज़ करें। और यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, आप साइन अप कर सकते हैं शॉपिफाई का यूज़ करके, डायरेक्ट गूगल का यूज़ करके, और साइन अप ईमेल। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे साइन अप करें यूजिंग ईमेल। और दूसरी चीज़ यह है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी वेबसाइट का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि इस कंपनी को एक्चुअल पता चले कि ऑडियंस आ कहाँ से रही है। अभी इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट करने से जस्ट 5% डिस्काउंट दिया है, हम चाह रहे हैं इसको तकरीबन 20% हमें जो है वो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको 20% तक डिस्काउंट दें, क्योंकि ये गूगल ऐड से 100% बेहतरीन है। हमें तकरीबन 3 या 4 ऑर्डर जो है वो लग जाते हैं इसी फ्री की ईमेल मार्केटिंग से, एसएमएस मार्केटिंग से।
तो आपने साइन अप कर लेना है जस्ट ईमेल के ऊपर। तो आपने साइन अप विद ईमेल इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ईमेल का, आपने अपना ईमेल ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है। और उसके बाद अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। और आपने अपने आप को वेरीफाई करवाना है और आपने सारी डिटेल ऐड कर लेनी है। सारी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद आपने साइन अप इसके ऊपर क्लिक कर, और आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हुआ होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपनी इस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है उसको एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे तो आपसे ये कहेगा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करें। हमने फर्स्ट नेम ऐड कर लिया, लास्ट नेम ऐड कर लिया, अपना बिजनेस का जो नेम है वो ऐड कर लिया। नीचे आते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर लिया। और उसके बाद ये कहता है कि आप अपनी जो कस्टमर की ईमेल का जो डाटा है वो कैसे कलेक्ट करते हैं। तो हम जो शॉपिफाई के ऊपर हम मेलचैम्प का यूज़ करते हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो आप इसको नन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर नीचे हैं तो आपके पास काफ़ी प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप शॉपिफाई यूज़ करते हैं तो आप शॉपिफाई को सिलेक्ट कर लें, शॉपिफाई प्लस को, बिगकॉमर्स को। हम वर्डप्रेस वूकॉमर्स ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमने इसको सिलेक्ट करके सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस ऐड करना है, कंट्री ऐड कर ली, उसके बाद आपने अपना सिटी ऐड कर लिया, एड्रेस ऐड कर लिया, जिप कोड और टाइम जोन, और आपने कंटिन्यू टू ओमनीसेंट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अपनी सारी पर्सनल डिटेल ऐड करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, और उसके बाद आपको एक कॉल का ऑप्शन मिलेगा, ओवरव्यू का, लाइव व्यू का। तो हम इसके जितने भी फीचर्स हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका जो ब्लॉग पोस्ट है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि ये वाली जो प्लगइन है सबसे क्यों बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपने इसको प्रॉपर किस तरह से सेट करना है, किस तरह से लिंक करना है, और बाकियों से ये क्यों बेहतर है, बाकी की प्राइसिंग, और वो फ्री के जो आपको ट्रायल वर्जन है वो भी यूज़ करने के लिए नहीं देती। आप इसका हर मंथ जो है वो फ्री ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हैं। मुकम्मल यहाँ पे इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। आपको कहीं पे किसी भी तरह से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आप सिंपल ये वाला जो ब्लॉग है आप इसको रीड करके आप अपने जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन जो है वो देख सकते हैं। जैसे ही आप अपने इस डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो अब आपसे ये कहेगा कि अब आप अपने इस अपनी वेबसाइट को लिंक करें, जो भी आपका वेबसाइट है या आपका शॉपिफाई है। तो हम सिंपल कनेक्ट योर स्टोर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे कि आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है। हमारी वूकॉमर्स के ऊपर बनी है तो हम वूकॉमर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ओमनी प्लगइन्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपनी प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपका जो प्लगइन्स है वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपने दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, और उसके बाद आपने आना है प्लगइन्स के ऊपर, एड न्यू, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपने चूज करना है अपलोड प्लगइन्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपनी उस फाइल को चूज कर लेना है। फाइल को चूज करने के बाद आपने इंस्टॉल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसी प्लगइन को सिंपल एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट जैसे ही आप करेंगे तो आपको इसका कोई नोटिफिकेशन इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपका जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आपने गो टू ओमनीसेंट वेबसाइट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट को कनेक्ट करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है ओवरव्यू का। ओवरव्यू में आपको जितने भी आपने अगर यूके में सेल कर रहे हैं या आप लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, सारी अमाउंट जो भी आपको इस ओमनी सेंड के टूल्स या प्लगइन्स के थ्रू आई होगी वो सारी इस डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आपको डेली बेस के ऊपर एक ग्राफ मुकम्मल देखने को मिल जाएगा कि आपकी सेल जो है वो डाउन हो रही है या अप हो रही है, कितनी आपको सेल आ रही है। तो सारा ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा मजीद नीचे आए तो इस टैब के अंदर आपको ऑडियंस का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है आप उसको जो है ईमेल के थ्रू आपकी ऑडियंस ज़्यादा आ रही है या एसएमएस के थ्रू आ रही है। हमारा चूंकि वूकॉमर्स का स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, तो हमें मोस्टली ईमेल के थ्रू हम लोगों को जो है वो इनविटेशन भेजते हैं। हमने डैशबोर्ड को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद आता है कैंपेन, ऑटोमेशन, फॉर्म्स, और उसके बाद ऑडियंस और रिपोर्ट। हम इनके सारे फीचर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो सके कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है और आपने अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को किस तरह से बूस्ट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट को कि ऑडियंस के, हमारे जो ऑडियंस है
वो हमें कैसे मिलेगी, हमने कैसे ईमेल फॉरवर्ड करनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास टोटल जो कॉन्टैक्ट हैं वो 53 अवेलेबल हैं। ये हमें कैसे रिसीव हुए, जो कि ईमेल सब्सक्राइबर हैं। तो आपने दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर्स का, आपने ऑल यूजर्स के ऊपर क्लिक करना है। जितने बंदों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस किए होंगे या आपकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप किया होगा, तो सबकी ईमेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपने इन सबकी ईमेल को एक्सपोर्ट कर लेना है एक एक्सेल की फॉर्म में, और दोबारा आपने इसी टूल्स के ऊपर आना है। आपको एक इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके वो जो फाइल होगी वो आपने अपलोड कर देनी है यहाँ से। तो इधर हमारे 52 हैं, लेकिन अगर हम दोबारा कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर आएँ तो हमें यहाँ पे 53 शो हो रहे हैं। तो आप सिंगल भी ऐड कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड कॉन्टैक्ट का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड, सिंगल ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपने उस ईमेल ऐड कर देनी है, उसका फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, और कुछ टैग्स आपने ऐड कर देने हैं। जैसे ही सारी डिटेल आप ऐड कर लेंगे तो आपको इधर ऐड सब्सक्राइबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपने मैनुअल किस तरह से ऐड करने हैं। और उसके बाद हम आते हैं कि हमने इसका फॉर्म क्रिएट किस तरह से करना है। फॉर्म क्रिएट कर लिया, ऑडियंस हमने देख ली, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कंपेन क्रिएट करके एक ही क्लिक्स के अंदर किस तरह से इनको ईमेल करनी है। तो इससे पहले, कंपेन क्रिएट करने से पहले हमने अच्छा, कंपेन की जब बात आती है तो कोई गूगल ऐड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। कंपेन मीन कि ये वाली जो हमारी 53 की ऑडियंस है ना, इनको हमने एक मैसेज करना है। वो कंपेन मीन या तो आप ईमेल कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। एट अ टाइम आप दोनों, ईमेल के ऊपर भी उनको मैसेज चला जाएगा, उनको एसएमएस मोबाइल के नंबर के ऊपर भी मैसेज चला जाएगा। तो इसको हम कंपेन का नाम ले रहे हैं। तो अब आपने फॉर्म के ऊपर आना है। फॉर्म का क्या मतलब है, हम इसको एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये एक यूएसए का फ्री नंबर भी देते हैं, जो कि आप अपनी वूकॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर या आप शॉपिफाई के ऊपर लगा सकते हैं। तो हम इसका एक रियल टाइम देख लेते हैं कि ये फॉर्म हमें बेसिकली किस तरह से हेल्प कर रहा होगा कस्टमर की ईमेल लेने के लिए। तो ये आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई। फॉर एग्जांपल, आपकी ये वाली कोई आइटम है, आपने इस आइटम को ओपन कर लिया। जैसे ही आपने ओपन किया तो आपको इसका कोई डैशबोर्ड इस तरह से देखने को मिलेगा, ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो मैंने यहाँ से ऐड टू कार्ड कर लिया। ऐड टू कार्ड करने के बाद मैंने जैसे ही ऐड टू कार्ड किया ना, तो मेरे सामने एक पॉपअप ओपन हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर ये मेंशन है कि गेट 10% ऑफ अगर आप पहला ऑर्डर करेंगे। तो इसको आप अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं कि फ्री डिलीवरी दे सकते हैं, न्यू अराइवल आप 50% गेट वन फ्री, इस तरह करके आप ऑफरें लगा सकते हैं डिफरेंट मर्जी के मुताबिक। तो जैसे ही कस्टमर यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो ऐड करेगा, ठीक है, तो ये वाली ईमेल आपके डेटाबेस के अंदर, यूजर्स के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ये वाला फॉर्म हमने किस तरह से क्रिएट करना है। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फॉर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनके जो ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइन है आपने उनका यूज़ कर लेना है। और यहाँ पे काफ़ी इनके जो फिल्टर्स हैं वो लगे हुए हैं कि आपने कौन सा जो है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कर लेंगे। तो आपके सामने उसके जो तकरीबन 1000 के हिसाब से, अगर हम इसको देखें 1000 के हिसाब से इनके जो फॉर्म्स हैं वो बने हुए, जो आपको अच्छा लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी सब्सक्रिप्शंस नहीं है। ये वाला अभी हमने जो जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ ये वाला है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इस टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर आपने कोई फील्ड ऐड करनी है तो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चेक बॉक्स आप ऐड कर सकते हैं, टॉप डाउन मेन्यू ऐड कर सकते हैं, इनपुट ऐड कर सकते हैं, और आप अपने बटन का जो कलर्स है सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्म को जो है वो क्रिएट करना सीख लिया कि हमने किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो फॉर्म को क्रिएट करना है, ताकि हम यूजर्स की ईमेल को गेट कर सकें। अब हमने एक नया जो है वो ऑडियंस कंपेन फॉर्म क्रिएट करना है कि अगर हमारे पास 500 ईमेल्स हैं, ठीक है, तो हमने इन 500 ईमेल्स को एक ही सिंगल क्लिक के अंदर एक ऐसा फॉर्म भेजना है जिसके ऊपर लिखा आएगा कि गेट वन, या आप अगर एक हमसे बाय करते हो तो एक हम आपको फ्री देंगे, या आप 10% ऑफ लें, या हम आपको यूके या यूएसए फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर कोई रखना चाहें। तो नीचे एक बटन आएगा जिसके ऊपर आपका उस प्रोडक्ट का लिंक होगा। तो हम इस तरह का कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं कि कस्टमर को उसकी ईमेल के ऊपर इस तरह का फॉर्म जाए
वो डायरेक्टली इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके उस आइटम को बाय कर ले। तो इसके लिए हम जाएंगे अपनी कम्पेन के ऊपर। कम्पेन के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू कम्पेन का, आपने इस न्यू कम्पेन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ईमेल एंड एसएमएस कम्पेन, दोनों आप क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद अकेले आप ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल ए एंड बी टेस्ट कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। ईमेल प्लस एसएमएस आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है नोटिफिकेशन यहाँ से क्रिएट करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमने सिंपल क्रिएट ईमेल एंड एसएमएस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इस टाइम हम ऐसा फॉर्म जनरेट कर रहे हैं जो कस्टमर को उसकी ईमेल के ऊपर जाएगा। तो ये कह रहा है सब्जेक्ट टू लाइन, तो हमने एक डेमो के तौर पे लिखा है गेट 10% ऑफ नाउ, और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो भी देना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जैसे ही आपने ये क्रिएट कर लिया तो आपने यहाँ पे अपना जो सेंडर नेम होगा वो आपने ऐड कर दिया, और उसके बाद सेंडर ईमेल। अच्छा, थोड़ा सा ये बता रहा है कि अगर आपका कोई बिजनेस की कोई वेबसाइट है ना, तो आपकी ऑब्वियसली वेबसाइट की जो डोमेन है वो इस तरह से होनी चाहिए, info@ecomreels.com, या बिजनेस आपकी डोमेन होनी चाहिए। बिजनेस होगी तो अगर कोई भी बंदा आपको कांटेक्ट करेगा तो ऑन द स्पॉट आपको जो है आपकी ईमेल के ऊपर वो नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आप जीमेल का अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है, तो वो आपको हो सकता है स्पैम मैसेज का जो टैब है ना ईमेल का, उसके अंदर आपको ये ईमेल जो है वो रिसीव। और रेफरेंस हमने इस टाइम ये वाला जो ईमेल है ये हमने यूज कर लिया है, और उसके बाद प्री होल्डर आप यूज कर सकते हैं जो भी आप यूज करना चाहें। कंपेन नेम आप रख लें, हमने ईमेल प्लस एसएमएस रख लिया। उसके बाद लैंग्वेज हमने ऐड कर दी, अगर आपके कोई फेसबुक ग्रुप्स हैं तो वो आप कनेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सारा कुछ हमने देख लिया, और उसके बाद हमने चूज ईमेल टेम्पलेट, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे 1000 के हिसाब से हमारे पास जो ईमेल के जो टेम्पलेट हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके ब्रांड या आपके बिजनेस के मुताबिक सूट करता है, आप उसको चूज कर लें। हम सबसे ऊपर जाते हैं, हमें ये वाला सिंपल सा लगता है, हम यूज करते हैं यूज दिस टेम्पलेट, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये वाला जो फॉर्म है ओपन हो चुका है, आपके पास 100% एक्सेस है फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने प्लगइन इंस्टॉल की होंगी। आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, हेडर चेंज कर सकते हैं, प्री होल्डर चेंज कर सकते हैं, हीरो इमेज, ईच एंड एवरी थिंग आप चेंज कर सकते हैं, लोगों की इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला इमेज जो है आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, हम एक चेंज भी कर लेते हैं। हम इस रिप्लेस बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, अपलोड फ्रॉम यूआरएल, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर से ये वाले जो डिफरेंट लोगोज हैं ये वाले हमने अपलोड कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम हमने ये वाला जो इमेज है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। इमेज को इंसर्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके इसका जो टेक्स्ट है आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक बटन होगा विजिट स्टोर, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक लिंक ऐड करना चाहते हैं, अभी ये वाला बाय डिफॉल्ट लिंक एडिट है, तो आपने दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, जो भी आप वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहेंगे, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके इस सारे लिंक को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमने सेव एंड चूज रेसिपिएंट, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। इस टाइम हमने हमारे पास जितने भी जो लिस्ट अवेलेबल थी तो हमने उनको सेंड करना है। तो इस टाइम हमारे पास ये कह रहा है कि इस टाइम टोटल आपके पास 52 ऐसी ईमेल अवेलेबल हैं जिनका जिनको सेलेक्ट करके आप एक ही क्लिक्स के अंदर रिव्यू करके नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आप डिफरेंट सेगमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास कोई 500 ईमेल हैं तो हम डेली 500 ईमेल को एक साथ मैसेज नहीं करते, हमने उसके सेगमेंट बनाए हैं, सेपरेट किया है। हमने 250 जो है वो एक अलहदा सेगमेंट के अंदर ऐड कर दी है, और इसी तरह 250 हमने अलहदा कर दी है कि हमने कुछ को इंक्लूड करना है और कुछ को हमने एक्सक्लूड कर देना है। तो इसी तरह आप डिफरेंट जो सेगमेंट है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस टाइम हमने दो बनाए थे, ईमेल्स और ई कॉम रील्स के नाम पे। तो हमने यहाँ पे अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है, सारी इसकी जो डिटेल है उनको आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद आपने सेंड नाउ, आपने इस सेंड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिपेयरिंग योर कैंपेन फॉर सेंडिंग, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है।
तो रेंडरिंग योर ईमेल, तो हमारी जो ईमेल है हमारे जितने भी कस्टमर होंगे उनको यहाँ से ऑटोमेटिकली एक क्लिक्स के अंदर सेंड हो जाएगी। तो यहाँ से ये कह रहा है कि सक्सेसफुली हमने आपके जो है वो इतने लोगों को ईमेल सेंड कर दी है सक्सेसफुली। व्यू कम्पेन, तो आपने इस व्यू कम्पेन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको लिस्ट ऑफ कम्पेन सारी देखने को मिल जाएगी। तो अभी हमने कितने को सेंड किया है, 52 को सेंड कर दी हुई है। और अभी यहाँ पे क्लियर इमेज नजर आएगा कि कितने बंदों ने इसको ओपन कर लिया है और कितने बंदों ने इसके ऊपर क्लिक किया है और सेल कितनी आई है। टोटली ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी ऑटोमेशन का। ठीक है, हमने सारा जो है वो इनको डिस्कस कर लिया है, कंपेन को हमने डिस्कस कर लिया है, तो ऑटोमेशन रह गया। और उसके बाद रिपोर्ट हम इसको भी देख लेते हैं। ऑटोमेशन के ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास एक वेलकम, आपने सबको मेक श्योर करना है जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये सारे इनेबल होने चाहिए। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्क फ्लो। बेसिकली ये ऑटोमेशन ये करेगा क्या कि जिस तरह से हम डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उनके वो जो रोबोट होते हैं जो आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि आपकी चैट बॉट से वो बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये भी बेसिकली एक रोबोट है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वो जो है वो फैग के थ्रू बता रहा है कि आपको नीड किस तरह की चाहिए। अगर आपको चैट विद एन एजेंट चाहिए तो आप लिखें, तो इस तरह करके ना ये लाइव चैट का आप जो है वो ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। तो हम इस न्यू वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ना 1000 के हिसाब से इनके जो डिफरेंट ऑलरेडी बने बनाए फॉर्म हैं आप उनको अपने मुताबिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला ऑर्डर जो है वो अच्छा लगता है, हम इसको कस्टमाइज वर्क फ्लो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं जो जो आपको चाहिए, साइन अप फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या चैटर्स का फॉर्म है। जैसे ही आपने इसको कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद आपने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है और आपका ये वाला जो फॉर्म होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद आता है रिपोर्ट, तो हम इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। और यहाँ से हमने 52 बंदों को सेंड किया और उनमें से 1.92% लोगों ने जो है वो ओपन कर लिया, मतलब एक बंदे ने इसको ओपन कर लिया सेल। क्योंकि ये अभी डेमो वेबसाइट हम दिखा रहे हैं, जो हमने पहले वर्किंग वेबसाइट आपको दिखाई थी उसमें ऑब्वियसली सेल आएगी। तो यहाँ से आपको एक क्लियर इमेज शो हो रहा होगा कि अगर हमारे पास जितनी मैक्सिमम ईमेल होंगी उतनी मैक्सिमम सेल आने के चांसेस होंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कि जो फॉर्म हमने सेंड किया है, ठीक है, वो उसका जो ईमेल के थ्रू हमें उसका ईमेल के ऊपर किस तरह से उसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो हम अपनी ईमेल ओपन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक ऐड कर दूंगा। अभी इन्होंने हमें जस्ट 5% जो है वो डिस्काउंट दिया है। अगर आप हमारे उसी लिंक से जाएंगे तो हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि 20% इनसे जो है वो डिस्काउंट फर्दर ले लें। अगर हम अपने ईमेल के ऊपर आएँ तो यहाँ से ये वाली हमारी ईमेल होगी और ये वाला जो हमने ईमेल का जो टेम्पलेट है वो बनाया था, जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बनाया है, किसी भी तरह से हमने कोई भी इसका पेड प्लान नहीं लिया। अगर हम नीचे आए तो ये वाला हमने इमेज ऐड किया था, अगर नीचे आए तो ये वाला हमने जो है वो बटन ऐड किया था। नीचे आते जाएं, ये टेक्स्ट को आप अपने मुताबिक जो है इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें रीडायरेक्ट करवा देगा उस वेबसाइट के ऊपर जिस वेबसाइट का हमने इसको लिंक दिया था। तो इसी तरह आप जो है अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक उस आइटम का जो है वो लिंक ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर जो है वो सेल चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओमनी सेंड मनी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।